नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोज का डोज जीके बूस्टर प्रोग्राम, जो कि हमारी किसी भी परीक्षा के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स की एक सीरीज है, उसमें हम लोग आज जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का सबसे एक ऐसा टॉपिक जिसपे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, और वो है दर्शन यानी फिलॉसफी और उससे रिलेटेड जो उनके संस्थापक हैं या प्रवर्तक हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। इन फिलॉसफी की डिटेल में तो बहुत ज़्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं रहती है, परंतु इससे रिलेटेड जो प्रवर्तक हैं और संस्थापक भी इसको बोल सकते हैं, तो उस पर जरूर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम लोग इसी को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कौन किसके संस्थापक हैं। देखिए, सबसे पहला आता है योग। योग आपको पता है कि पतंजलि जो है इनके संस्थापक हैं, और आप जैसे कि जानते हैं कि बाबा रामदेव जो है योग गुरु कहे जाते हैं, और उनके जो दवाइयों का या जो उनके प्रोडक्ट्स हैं उनका जो कंपनी है वो सभी पतंजलि ब्रांड नेम से ही होती हैं। तो उससे आप देख लीजिए कि ये योग पतंजलि जो है वो उन्होंने उन्हीं के नाम पर रखा है, पतंजलि ऋषि के नाम पर। तो ये योग के हो गए पतंजलि। उसके बाद देखिए सांख्य। सांख्य के हैं कपिल मुनि। तो कपिल, अब देखिए कपिल शर्मा जो है, वो कपिल शर्मा शो जो आता है उसमें हम लोगों को पता है कि कपिल शर्मा की इंग्लिश जो है वो बहुत पुअर है, लेकिन आप लोगों को बहुत कम लोगों को पता होगा कि उसकी मैथ्स जो है वो बहुत अच्छी है। अब वो अच्छी है कि नहीं उससे हमें मतलब नहीं है, पर हमें केवल ये समझना है कि हम इस तरीके से इसको याद करेंगे। अपने माइंड में ये इमेज बना लीजिए कि उसकी इंग्लिश तो पुअर है पर उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है। तो इसलिए कपिल जो है वो सांख्य, सांख्य का मतलब संख्या, तो संख्या से बनाया, तो सांख्य दर्शन जो है वो कपिल मुनि इसके प्रवर्तक थे। उसके बाद देखिए वैशेषिक। तो वैशेषिक के जो प्रवर्तक थे वो थे कड़ाद, ऋषि कड़ाद। तो देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में ये कॉन्सेप्ट है कि कण कण में भारत में ईश्वर है, यानी कण कण जो है अपने आप में एक विशेष है, क्योंकि कण कण में भारत में ईश्वर विद्यमान है। तो इसलिए इससे हम लोग याद कर लेंगे, वैशेषिक से बना विशेष और कड़ाद से कण, तो इस तरीके से कण कण विशेष है, ऐसे करके हम लोग याद कर लेंगे, कण कण विशेष है। और इधर जो है कपिल शर्मा का, कपिल शर्मा की मैथ्स अच्छी है, मैथ्स मतलब संख्या। अब बाकी पतंजलि वाला तो लगभग सभी को याद ही रहता है, बाबा रामदेव से वैसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अगला देखिए अब कि चार्वाक। चार्वाक के जो है वो संस्थापक भी चार्वाक ही थे। वैसे तो अगर डिटेल में जाएं तो इसमें हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि चार्वाक जो है वो एक व्यक्ति का नाम था या फिर कई सारे ऐसे समूह को ही चार्वाक बोला जाता, तो ये हमें नहीं पता चल पाता इतिहास में, परंतु इसका आप अभी ये समझ लीजिए कि चार्वाक के जो संस्थापक थे वो चार्वाक थे, उन्हीं के नाम पे ये दर्शन कहा गया चार्वाक, ठीक है। इसमें याद करने वाला कुछ है ही नहीं। उसके बाद आ गया न्याय। तो न्याय जो है, न्याय के थे ऋषि गौतम। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है हमारे पास। ये गौतम मुनि, गौतम ऋषि जो थे, ऋषि गौतम, ये न्याय के लिए फेमस थे। और उसके बाद एक आता है आपका मीमांसा दर्शन। तो मीमांसा है या पूर्व मीमांसा है, इन दोनों में आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऋषि जैमिनी। तो बेसिकली ये छह दर्शन जो थे वो थे आपके हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण दर्शन। लेकिन जो मीमांसा था, मीमांसा में इसके दो भागों में बांट दिया जाता है, एक है पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा, ठीक है। अगर केवल मीमांसा है तो याद रखिएगा, अगर केवल मीमांसा है तो इसका उत्तर होगा जैमिनी, और अगर पूर्व मीमांसा है तो भी इसका उत्तर होगा जैमिनी, लेकिन उत्तर मीमांसा है तो उसका उत्तर होगा वादरायण। तो अभी देखिए पूर्व मीमांसा, इसको याद करने की ट्रिक यह है कि पूर्व मतलब पहले, और मीमांसा से हमने मम्मी बना दिया कि मम्मी लोग जो है, पहले ऐसा होता था कि जब बच्चे हम लोग छोटे छोटे थे तो मम्मी लोग जो है जैमिनी सर्कस ले जाती थी, जैमिनी सर्कस बहुत फेमस सर्कस है, तो जैमिनी सर्कस ले जाती थी पहले के समय में मम्मी लोग। लेकिन आजकल क्या हो गया कि आजकल मम्मी लोग जो है वो जहाँ देखती हैं बच्चा परेशान कर रहा है उसको तुरंत मोबाइल पकड़ा देती हैं, और एक उसकी गलत आदत शुरू से ही लग जाती है। तो ये हम लोग देखेंगे कि पूर्व मीमांसा यानी पहले के समय मम्मी लोग जैमिनी सर्कस ले जाते थे, आजकल तो सर्कस वाला लगभग कॉन्सेप्ट
खत्म ही हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी कहीं कहीं आपको इक्का दुक्का देख जाता है। खैर, तो ये पूर्व मीमांसा जैमिनी या फिर मीमांसा भी जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जब आएगा तो उसमें आता है वादरायण। वादरायण अब ये कुछ किताबों में वादरायण में मिलता है, कुछ में वादरायण मिलता है, लेकिन हम लोग इसको ब से ही पढ़ेंगे बाद, क्योंकि उत्तर का मतलब होता है बाद। उत्तर देखिए, पूर्व का मतलब पहले और उत्तर का मतलब बाद, तो इसलिए हम लोग उत्तर से बाद बन गया, तो उत्तर मीमांसा वादरायण, ठीक है। तो इससे हम लोग इसको याद कर लिए। तो इसके अलावा देखिए कुछ एक और भी हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो एक तो है घोर अक्रियावादी, तो इसमें आ जाता है पूरण कश्यप। ये जो है ऋषि थे पूरण कश्यप, घोर अक्रियावादी ये थे पूरण कश्यप। अब इसमें इसको याद करने के लिए देखिए वैसे तो कुछ खास नहीं, लेकिन ये है कि अक्रिया मतलब जो क्रिया कोई ना करता हो, मतलब जो काम धाम ना करता हो, निकम्मा टाइप का हो। और कपिल शर्मा शो में ही, जैसे हम लोग कपिल शर्मा में ये देखे सांख्य, तो वैसे ही कपिल शर्मा शो में एक अर्चना पूरन सिंह आती हैं, वो बिना कोई काम किए और हंसने का पैसा ले जाती हैं, ऐसा जो है कपिल उन पर मजाक करता है। तो बहरहाल मैं नहीं मानता, परंतु ये जो है पूरन कश्यप से हम लोग ये याद कर सकते हैं कि अर्चना पूरन सिंह, तो पूरन जो है वो अक्रियावादी, और वो भी घोर वाली एकदम, बस घोर अक्रियावादी नहीं। तो चलिए इससे ये याद कर सकते हैं। कुल मिला के हम लोग को देखिए एग्ज़ाम निकलना है अपना, जो है किसी भी तरीके से ठोक बजा कैसे भी हो सके, बस अपना पेपर में प्रश्न को सॉल्व करना है। तो उसी लिहाज से हम लोग चीज़ों को देखते हैं, और आप इसे जबरदस्त ट्रिक कहें या ज़बरदस्ती की ट्रिक कहें वो आपके ऊपर है, बस आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए, यही हमारा मोटिव है, यही हमारा मोटो है। तो चलिए भौतिकवादी, अब भौतिकवादी का जो है देखिए किताबों में कहीं कहीं पर जो है वो भौतिकवादी में दिया है पकुद कच्चायन दिया है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे अजित केस कंबली दिया है, पर जो ज़्यादातर सोर्सेज में हमें मिला है वो अजित केस कंबली मिला है। तो इसलिए हम लोग यही इसी को लिखेंगे, ये मुझे ज़्यादा प्रामाणिक लगता है, अजित केस कंबली, ठीक है, अजित केस कंबली। लेकिन कुछ एक बुक्स में इसको जो है पकुद कच्चायन भी दिया है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ऑप्शन में ये दोनों रहे तो आप पहले जो है इसे टिक मारिएगा, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये सेकंड प्रायोरिटी हो जानी चाहिए। मान लीजिए कि ये नहीं दिया है तो फिर इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इस पर मैंने ढूंढने की भी कोशिश की मगर वो मुझे कुछ खास ऐसा ठोस मिला नहीं। तो बहरहाल इन दोनों को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि देखिए भौतिकवादी जो है भौतिक में ये भूत से बन गया है, तो भूत से बन गया है भौतिक, और भूत लोग जो है वो कच्चा भोजन खाते हैं, तो कच्चायन से कच्चा, तो भूत लोग जो है कच्चा एकदम भोजन एक मांसाहार जो है मार के किसी को भी खा जाते हैं, तो उससे याद कर लीजिए। और इधर में अजित केस कंबली में आप देखिए वो जब कोई ऐसे भूत वाला किसी को डराता है तो आप देखे होंगे वो कंबल ओढ़ लेता है और बाल जो है बड़े बड़े कर लेता है, एकदम ऐसे करके डराने की कोशिश करता है, तो उससे आप इसको समझ सकते हैं ये केस कंबली, इससे आप एक इमेज बना सकते हैं अपने दिमाग में। चलिए उसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण, जो इस पूरे में बल्कि मैं कहूँगा कि अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई है तो वो है आजीवक संप्रदाय। बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा बार आजीवक संप्रदाय, मक्खलीपुत्र गोसाल, ये इनका नाम है मक्खलीपुत्र गोसाल जो है, ये हैं आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खलीपुत्र गोसाल। और कई बार ये पूछा गया, आजीवक संप्रदाय बेसिकली ये जो है भाग्य पे भरोसा करता है कि बस भाग्य जो करके देगा वही देगा और हम लोग के हाथ में कुछ है ही नहीं, जो कुछ अगर एक पत्ता भी हिलना है तो वो भाग्य के भरोसे ही हिलेगा और भाग्य ही सब कुछ देगा, अपना आराम से बैठो खाओ पियो मस्त रहो, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, तो इस टाइप वाला भाव रहता है इनका। तो आजीवक मतलब ये भाग्यवादी भी इनको बोल दिया जाता है, बल्कि आप लिख भी लीजिए इसको कि भाग्यवादी, क्योंकि इसी पर एक जो है मतलब वो इसमें एक ऐसा प्रश्न बन सकता है जो कि आपके संस्थापक से हट के भी कुछ पूछे, तो ये मतलब मान लीजिए कि पूरा पूर्ण रूप से भाग्यवादी है।
मक्खली पुत्र गोसाल, इसमें आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो आजीवक हैं, जीवक मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए इन्होंने ये गोपालन किया है, मतलब गायों को पाला है और उससे मक्खन निकालते हैं, तो गायों को पाल कर उससे मक्खन निकालते हैं। ये आप अपनी कॉपी में ये सब लिखते चलिएगा ताकि आपको याद रहें सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आजीवक संप्रदाय जो है ये भाग्यवादी होते हैं। ये इसको याद करने की ट्रिक ये है कि ये जो है गो मतलब अपने गो पालते हैं, गोवंश का पालन करते हैं और उससे मक्खन निकालते हैं, तो मक्खली पुत्र गोसाल ऐसे आप याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अंतिम आता है एक आपका अनिश्चयवादी या संदेहवादी। संदेहवादी या अनिश्चयवादी मतलब हर चीज़ पे संदेह करना कि अच्छा ये है तो क्यों है, पता नहीं है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, तो ये सब जो है इनका काम था। संदेहवादी अनिश्चय ये सारी चीज़ें वैसे तो हम लोग जब हमारी प्राचीन भारत की क्लासेस चलेंगी तो उसमें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी कि इसका क्या मतलब है क्या नहीं है। अभी हम केवल वही देख रहे हैं जो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, जैसा कि इस जो हमारे प्रोग्राम का जीएस बूस्टर प्रोग्राम का उसका मकसद भी है कि केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बिना लाग लपेट के बिना कॉन्सेप्ट बताए सीधा वो बात बताना जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। तो चलिए संदेहवादी अनिश्चयवादी जो है इसमें स से हो गया संदेह और स से हो जाता है संजय। तो ये संजय वेठली पुत्र, इनका नाम है संजय वेठली पुत्र, ये जो इनका पूरा नाम है, और स से संदेह, स से संजय, और संदेह से ही बन जाता है अनिश्चय। ऐसे करके आप इसको जो है याद कर सकते हैं। ये रहा आपका जो दर्शन वाला, इसमें आप ये जरूर याद रखिएगा कि अगर केवल मीमांसा पूछता है तो जैमिनी, पूर्व मीमांसा पूछता है तो जैमिनी, उत्तर मीमांसा में वादरायण, और भौतिकवादी में प्रथम जो हमारा प्रियोरिटी रहेगी वो रहेगी अजित केश कम्बली, और जो दूसरी प्रियोरिटी रहेगी वो पकुत कंचायन। दोनों दिया है तो पहले इसमें लगाएंगे, और अगर ये नहीं दिया है तो इसमें लगाएंगे। तो ऐसे करके ये हमारे सारे दर्शन हो गए जो हिंदू धर्म में फेमस दर्शन थे, और अगला ही जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग किसी दूसरे ऐसे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज का ये हमारा प्रोग्राम यहीं पे समाप्त होता है और जल्दी किसी दूसरे वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।